नमस्कार फ्रेंड्स, आज ठीक है अपन इसके पहले कुछ चीज़ पढ़ चुके थे। जैसे मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था, तना पढ़ा दिया था, ठीक है, जड़ वगैरह पढ़ा दी थी। सेकंड नंबर उसके बाद आपको कुछ और चीज़ें बीज वगैरह के बारे में बता दिए थे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते थे, ये चीज़ें आपको मैं बता चुका था क्लास में। क्लियर कर दी थी। अब अपन देख रहे हैं यहाँ से इसके आगे जड़ पढ़ा दिया आपको यहाँ से, ठीक है, तना। अब उसके बाद किसकी बात करें आप यहाँ पे अपनी पत्ती के। अब पत्ती से जितने क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, जितने आपके क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग आपको पूरे यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, कवर कर दिया। चलो बात करते हैं अपन यहाँ से पत्ती की, ठीक है। किसकी बात करूं ऐसे, पत्ती। अब जो पत्ती है या तो इसको बोलेंगे पत्ती या तो बोलते हैं कि आपका ऐसे लीफ। क्लियर हो गया था इतने से। आप कुछ जगह में इसको झाड़ी भी बोल देते हैं, ठीक है, झाड़ी भी बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन इसका एक ही टर्म से याद रखोगे कौन सा, पत्ती या लीफ। अब बात करूं यहां से इसके निर्माण की। किसकी बात करूं यहां से, आपकी निर्माण की। तो निर्माण में क्या जाएगा यहां से आपका, तो आप बताओगे कि तना। आपने देखा होगा कि पत्ती में से क्या आपका ऐसे तना, तना में से हल्की सी क्या निकलती है आपके ऐसे पत्ती, क्या निकलेगी यहां से आपकी पत्ती। तो यहां से याद रखना कि निर्माण पूछे तो क्या बताओगे, तना। किससे बताओगे, तना। तना के बाद फिर किससे बताओगे, ऐसे पर्ण संधि। अभी बता रहे हैं आपको ऐसे चित्र में कि पर्ण संधि क्या होती है। क्लियर की बात इतनी, ऐसे सेकंड नंबर। उसके बाद बताओगे ऐसे आपका, ठीक है, काम, ठीक है। इसका वो जैसे आपको पता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं, काम में आता है। वैसे पेड़ पौधे का भी नियम, जो चीज़ होगी वो कि आपके यहाँ से काम आएंगे। मान लो अपना घर में कोई चीज़ काम का नहीं रहता, तो हम उसको काम फेंक देते, आपका स्टोर रूम या कबाड़े में देते या कबाड़ी वाले को बेच देते। क्लियर होगी। तो वैसे अगर पूछूँ यहाँ से इसका क्या काम है, तो बता दीजिएगा आपका ऐसे प्रकाश संश्लेषण का क्या काम रहता है, इसका प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पे दो चीज होती है, ठीक है, ये जो अपने द्वारा, ठीक है, अपने द्वारा जो जो आपके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, ठीक है, तो उसको ये, ठीक है, लेता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम पेड़ पौधे लेते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन अपन को देते हैं। क्लियर हो गया इतनी। और इसके बदले में वो क्या बनाते हैं अपने लिए, भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं यहाँ से आपका, भोजन। मतलब यहाँ से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, सेकेंड नंबर आपका ऑक्सीजन को ही आपका छोड़ते हैं, सेकेंड नंबर। ये भी हो गया बात अपनी। उसके बाद ये क्या बनाते हैं, तो बता दीजिएगा आपका, भोजन बनाते हैं। बात करूँ दूसरे नंबर का, इसका क्या काम है, तो बता देना पानी का उत्सर्जन। क्या बता दोगे यहां से आपका, पानी का उत्सर्जन। कि पानी का उत्सर्जन जो, जैसे आपने देखा होगा जब आपको ये पहाड़ी वगैरह के किनारे जाते हो, तो वहां पे देखना हल्की-हल्की इस भाप दिखाई देती, कैसे दिखाई देती आपको, यहां से भाप दिखाई देती। तो वो जो भाप जो रहती है आपकी यहां से, ठीक है, वही आपके क्या रहते, पानी का बताओगे क्या, उत्सर्जन, ठीक है, या पत्ती को, ठीक है यार, ठीक है। अब जब ये एक बात बता, जब आपका यहां से एक छोटी सी बात बोलूं यहां से, कि आपके घर में जो किचन होता है उसमें क्या बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं किचन। या अगर उसके बाद अगर बात करो इसे कोई गांव से होगा, तो गांव में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, छपरी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं यहां से आपका, छपरी, जो सबसे लास्ट में रहता है, ठीक है, या तो उसको क्या बोलेंगे, रसोई घर। तो वैसे आपका क्वेश्चन पूछता है जो पत्ती है, ठीक है, पत्ती को पादप का क्या बोलते हैं आपका, रसोई घर कहते हैं। तो कई बार एग्जाम्पल पूछता है क्या बताओगे, रसोई घर। क्लियर हो गया इतने से, सेकंड नंबर। अब बात करूँ यहाँ से आपकी पत्ती की। किसकी बात करूँ यहाँ से, पत्ती की। ये होगी कि आपके यहाँ से पत्ती होगी बात इतनी यहाँ से। अब पत्ती से यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, कौन कौन से। पहला नंबर का ये देखो, ये जो आपकी एक पत्ती की बात करूँ, ठीक है, किसकी बात करूँ यहाँ से आपकी, ये एक पत्ती, ये एक सेकेंड आपका यहाँ से, ये होगी कि आपके यहाँ से ये पत्ती, ठीक है, ये इसकी बात करूँ आपकी क्या, पत्ती की। अब ये जो पत्ती है आपके यहाँ से, ठीक है, देखो ये आपका हो गया यहाँ से तना, और ये तना के बाहर से क्या होगी आपके यहाँ से पत्ती। तो जहाँ से आपका तना होता है, ठीक है, कहाँ से बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ से आपका तना होगा यहाँ से एकदम, इसको बोलते याद रखना आपका यहाँ से, इसको क्या बोलते हैं आपका, ठीक है, पर्ण संधि। क्या कहते हैं इसे, पर्ण संधि, या जगह कुछ जगह लिखा रहता है पार्श्व संधि। मतलब जो आपकी पत्ती का जो निर्माण होता है, क्या आपका निर्माण जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो आप बताओगे उसे क्या कहते हैं आपका, पर्ण संधि, उसे क्या कहेंगे, पर्ण संधि। और जो आपका, ठीक है, जो ढेठ होता है, ढेठ मतलब क्या आपका, जो डंठल होता है, कौन सा वाला डंठल आपका, ये, इसको क्या कहते हैं, तो इसको वो बताओगे यहाँ से आपका पर्णव्रत। क्या कहते हैं इसे आप बता दीजिएगा आपका यहाँ से, पर्णव्रत। कि जो ढेठ होता है आपका, जैसे आप मिर्ची तोड़ते हो, ठीक है, यहाँ से, तो उसको मिर्ची के जो ढेर होता है, तो जैसे वैसे सेम बात करूं जो पत्ती के जस्ट, तना के जस्ट बाद में, कैसा बताओगे, जस्ट बाद में, कौन सा वाला, इसकी बात करूं मैं, किसकी, इसकी, इसको बोलते हैं ढेर, और इसका क्या नाम बताओगे, पर्ण व्रत। लेकिन जहां से आपकी जो डाल है, डाल से एकदम सटीक से जैसे आपको वो निकल रहा है क्या, पत्ती के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, तो बताओगे यहां से आपका पर्ण संधि। क्या कहते हैं उसे, पर्ण संधि। अब उसके बाद जो यहां से आपको हल्की हल्की क्या दिखाई दे रही होगी,
ऐसी, ठीक है, ये दिखाई दे रही होगी आपको ऐसे, इसको बोलते हैं क्या से आपका सीरा। तो इससे पूछे तो क्या बताओगे, इसे क्या कहते हैं आपका ऐसे सीरा, मतलब जो पतली पतली जो होती है, ठीक है, जो आपकी रहेगी क्या पतली पतली, उसको क्या कहते हैं यहाँ से आप बता दीजिएगा आपका ऐसे सीरा। सेकंड नंबर, दूसरे नंबर पर बताओगे यहाँ से आपका ये तो होगी पतली पतली सीरा, और जो बाहर की जो लेयर है, ठीक है, क्या बताओगे यहाँ से आपकी जो बाहर की जिससे कवर अप है, ये जो दिख रहा है आपका ऐसे लेयर, इसको बड़ा अच्छा नाम दिया जाता है, इसको क्या नाम दिया जाता है बताओगे यहाँ से, मर्जिन। क्या बोला जाता है इसे, मर्जिन। तो क्वेश्चन पूछता है कि मर्जिन किसका भाग है, प्लांट का या फल का या फूल का या पत्ती का, तो आप बताओगे कि मर्जिन जो है किसका बताओगे, पत्ती का, बाहरी जो कवर होता है उसको कहा जाता है, मतलब बाहर का जो ये दिखाई दे रहा है आपको इसे, इसे बोला जाता है क्या बताओगे यहाँ से आपका मर्जिन। क्या बोला जाएगा इसको, मर्जिन। और सेकंड नंबर जो एकदम उसका लास्ट वाला जो सोरा रहता है, मतलब क्या जो है शिखर वाला, इसको क्या कहते हैं, तो इसको बताओगे यहाँ से आपका एपिक्स। क्या कहते हैं आपका एपिक्स। क्लियर होगी बात इतनी कि जो बाहर जो आपका सिरा होता है उसे क्या कहते हैं आपका ऐसे एपिक्स। सेकंड नंबर आपका यहाँ जो हरा हरा जो दिखाई देता है इसको बोलते हैं यहाँ से आपका, ठीक है, हरा, ठीक है, भाग, ठीक है, कौन सा रंग रहेगा आपका ऐसे हरा रंग, कौन सा रंग बता दीजिएगा आपका ऐसे कि गुरु जी यहाँ से जो है हमारा, ठीक है, वो कैसा बताओगे, हरा रंग। अब जो हरा रंग होता है इसमें आपको बताया क्या होगा आपका ऐसे क्लोरो, ठीक है, क्लोरोफिल। क्या होगा यहाँ से आपका, क्लोरोफिल। और जो क्लोरोफिल होता है यहीं पे याद रखना आपका यहाँ से भोजन बनता है। क्या बनता है आपका यहाँ से भोजन बनता है, जैसे आपको पता होगा कि घर में आपका किचन में भोजन बनता है, वैसा अगर क्वेश्चन पूछे तो ये जो हरा रंग होता है आपका यहाँ से ये कहाँ पे होता है आपका, ठीक है, क्लोरोफिल होता है इसमें। सेकंड, इसमें आपको हल्के हल्के से क्या दिखाई देगा, छोटे छोटे क्या दिखेगा, बिंदु, इनको बोलते हैं क्या बताओगे यहाँ से आपका, रंध्र। क्या बोलते हैं इसे बता दीजिएगा आपका यहाँ से, रंध्र। तो देखो कई प्रकार के यहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कैसे बताओगे, बहुत ही अच्छे अच्छे कौन से क्वेश्चन यहाँ से। देखो पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका कि देखो ये जो आपका जहाँ से तने से आपकी जो सटक के एकदम सटा हुआ जहाँ से निकल रही पत्ती उसे क्या बताओगे ऐसे, पर्णसंधि। और पर्णसंधि का जो ढेट होता है आपका, ठीक है, उसे क्या कहते हैं बताओगे ऐसे आपका, पर्णव्रत। क्या कहते हैं उसे, पर्णव्रत। और उसके बाद ये जो बाहर की जो लेयर है, ठीक है, ये बाहर की जो आपकी लेयर है इसे क्या कहते हैं, तो आप बताओगे ऐसे, मर्जिन। क्या बता दीजिएगा आपका, मर्जिन। सेकंड नंबर, अंदर जो आपको ये ऐसी बनी बनी जो दिखाई देती है इससे क्या कहते हैं बताओगे, सीरा। और एकदम आपका जो ऊपर वाला जो छोर है लास्ट वाला उसको क्या कहते हैं आपका, एपिक्स। क्या कहेगा उसका, एपिक्स। उसके बाद बात करो इसमें जो रंग होता है कैसा रहेगा आपका, हरा रंग। और हरा रंग के अंदर क्या होता है बताओगे यहाँ से आपका, क्लोरोफिल। क्या होगा आपका यहाँ से, क्लोरोफिल। और इसके बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं आपका बताओगे, रंध्र। क्या बताओगे यहाँ से आपका, रंध्र। उसके बाद करूँ मैं यहाँ से नेस्ट, दूसरी बात करूँ क्या आपके यहाँ से पत्ती के प्रकार। क्या बताओगे यहाँ से आपका, पत्ती के प्रकार। एक बड़ी अच्छी चीज याद आई आपको यहाँ से, ठीक है, आपने देखा हो जैसे एलोवेरा है, ठीक है, तो ये एलोवेरा, ठीक है, जो होता है इसको अपन पत्ती च लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पत्ती। अब जो लड़की वगैरह जो रहती है सुंदर दिखाई देने के लिए, किसके दिखाई देने के लिए, सुंदर, खूब लगाते हैं एलोवेरा। देखना जैसे अभी रक्षाबंधन आएगा, खूब चोपड़ा होगा, मुंह भर पूरा पोत डालते हैं, ठीक है, तो एलोवेरा की क्या लगाया जाता, तो याद रखना आपका से पत्ती। वैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले यहाँ से आपका क्या, ठीक है, कि पत्ती के प्रकार, तो पत्ती कितने प्रकार के बताओगे, दो प्रकार के। कितने प्रकार के बताओगे, दो प्रकार के। अब दो प्रकार की कौन कौन सी, सीधी सी बात, तो यहां से बताओगे क्या, एक होती सरल और एक क्या बताओगे यहां से आपकी, संयुक्त। ठीक है, सरल, जैसे तुमने देखा होगा कि जो आपकी, ठीक है, कई लड़के उनमें दो प्रकार के होते हैं, एक लड़का बहुत ही एक नॉर्मल सा रहता है, रचला रचला आराम से रहता, रचला रचला का मतलब यहां पे बहुत अच्छा, ठीक है, एकदम आराम से रहता है। और एक आपका जो लड़का रहता है बहुत ही ज्यादा उड्डन टाइप का रहता है, ठीक है, कुछ का कुछ नए नए प्रकार का कुछ भी उठपटांग काम करते रहता है। क्लियर, तो वैसी पत्ती की बात करूं तो एक होती है आपकी सरल पत्ती, एक होती है क्या, संयुक्त पत्ती। बात करूं किसकी यहां से आपकी, ठीक है, ये देखो यहाँ से, ये क्या हो गया यहाँ से आपका, ये पत्ती होगी अपने यहाँ से। अब इसको जरा ध्यान से देखो, अब याली जो अपनी है वो सरल पत्ती, और ये कैसी होगी आपके यहाँ से, ठीक है, संयुक्त। मतलब सरल का मतलब उसमें कोई कटा छटा नहीं रहेगा, कैसा नहीं रहेगा आपका, कटा छटा नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं क्या, सरल पत्ती। और जो जिसमें कटा छटा रहता है उसको क्या बताओगे यहाँ से आपका, संयुक्त पत्ती। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो लड़की रहती है एक बड़ी सिंपल सी रहती है, जैसे नॉर्मल सा रहती है, लेकिन एक जैसे शहर की जो लड़की रहती जो रहती है, ठीक है, उसको देखना यहाँ से बाल को काट लेती है, यहाँ से क्या कर लेती है, बाल को काट लेती है। और उसके बाद मान लो एक बड़ी, ठीक है, क्या बताओगे उसके बाद, मान लिया, और उसके बाद अपन गलती से उनको देखो तो बार बार बस झटके लगाते रहते ऐसे, ठीक है, वो बाल उनको बार बार कैसे मटकाते रहते। तो याद रखना आपका अगर पूछे से कटा छटा छट जो रहता है तो उसे क्या बोलते हैं बताओ, संयुक्त पत्ती। सेकंड नंबर अगर बात करूं कि सरल पत्ती कौन सी थी, तो आपकी इजी बताओगे, कौन सी बताओगे यहां से आपकी, इजी।
कौन सी बता दीजिएगा आपके यहाँ से इजी, ये हो गया अपने यहाँ से सरल और क्या आपके यहाँ से। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनते, कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है आपका, पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो सरल पत्ती होती है, कौन सी पत्ती आपकी, सरल पत्ती। सरल पत्ती में आपका एग्जाम्पल पूछता है तो बता देना आम का, केला का और गेहूँ का, और क्या बताओगे, चावल का। ये जितने भी रहता है आपका यहाँ से बहुत आपके बता देंगे सरल, इनका कटा छटा नहीं रहता भैया, देख लेना आपका यहाँ से। सेकेंड उसके बाद बताओगे संयुक्त पत्ती, कौन सी संयुक्त, जो कैसे रहेगी कटी छटी, मैंने अभी बताया ठीक है, कई लड़कियों को देखना खूब झटके मार दिए से ठीक है, बाल यहाँ पर जैसे काट लेंगे ऐसे पागल जैसे यहाँ से इतने, और दे झटके दे झटके दे झटके, तो ऐसी कैसे जो कटा छटा दिखे, कैसा दिखाई देगा आपको वहाँ से कटा छटा। तो वो जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूँ नीम की, कैसी बात करूँ आपके ऐसे नीम की, जैसे ये पत्ती देखो यहाँ से आपकी, देखो ये कैसी दिख रही है आपको, कटी छटी दिख रही है यहाँ से कटी छटी, तो ये कैसी हो जाएगी आपकी, संयुक्त पत्ती में आ जाएगी। कौन सी पत्ती बता दोगी, कि गुरु जी ये जो है अपनी वो किसके अधीन आती है, संयुक्त पत्ती में, और इसमें भी ये आपकी संयुक्त पत्ती में हो जाएगी। और आप बताओगे गुलाब की पत्ती, और क्या बताओगे यहाँ से आपकी, गुलाब की पत्ती आपको, तो एक नीम की और दूसरी क्या बताओगे, गुलाब की पत्ती। सेकेंड नंबर ये होगी अपनी दो प्रकार की, यहाँ सरल पूछे तो बता देना, संयुक्त पूछे तो बता देना। बात करूँ सीरा के आधार पर, किसके आधार पर बात करूँ, सीरा। अब सीरा क्या होती गुरु जी, तो अभी मैंने बताया यहाँ से देखो ये पत्ती है, इसमें देखो बारीक बारीक जो लेयर दिख रही है आपको, ठीक है ये दिख रही है आपको यहाँ से बारीक बारीक, इसके आधार पे पत्ती को कितने भागों में बांटा गया, तो क्या बताओगे यहाँ से आपका, ठीक है दो भागों में, कितने भागों में बता दीजिएगा आपको यहाँ से, दो भागों में। अब दो भाग में कौन कौन सा पूछे यहाँ से, तो पहला बताओगे एक होता एकांतर पत्ती और एक बताओगे जाली नुमा। अब एकांतर पत्ती जैसे आपकी एकदम सीधी हो, जैसे आपकी आपने देखा होगा चावल की पत्ती हो गया, धान की पत्ती होगी, ठीक है सेकंड नंबर मक्का की पत्ती होगी, उसके बाद गेहूं की पत्ती होगी, गन्ना की, एकदम सीधी रहती, कैसी रहेगी आपको एकदम सीधी दिखाई देगी। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूँ, ये देखो जो पत्ती है आपकी, ठीक है ये काय की गेहूं की पत्ती है, देखो एकदम कैसी दिख रही है आपको, सीधी दिखाई दे रही, कैसी दिखाई दे रही आपको एकदम सीधी, ठीक है कैसी बताओगे यहाँ से आपकी, सीधी। तो ये सीधी जो एकांतर पत्ती के अधीन आती है, किसके बताओ, एकांतर, इसी को समांतर बोलते, क्या बोलते, समांतर। फॉर इसमें पूछता आपसे क्या, एग्जाम्पल, क्या पूछेगा यहाँ से आपका, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में क्या क्या बताओगे यहाँ से आपका, इसमें बताओगे गेहूँ, ठीक है आपका यहाँ से मक्का, और उसके बाद क्या बताओगे यहाँ से आपका, गेहूँ मक्का, और क्या बता दीजिएगा आपका, गन्ना, और क्या बताओगे यहाँ से आपका, केला। और ये जो प्रकार मैं सीरा के आधार पर बता रहा हूँ, या ना कि आपका यहाँ पे किसके आधार, पत्ती के आधार पर तो मैंने बताई, लेकिन यहाँ पे किसके आधार बता रहा हूँ, सीरा के। अब बात करूँ जालीनुमा, जालीनुमा वो पत्ती जिसमें बहुत सारी सिरा आपको कटी छटी दिखाई देगी, कैसे दिखेगी, कटी छटी। अब जैसे क्या है यहाँ पे, ये देखो जैसे सोयाबीन की पत्ती को आपने देखना है, इसमें कितनी सारी सिराएं दिख रही है, ये आपकी सीधी दिखाई दे रही क्या, नहीं। गेहूं के पत्ती की जैसे दिखाई दे रही क्या, नहीं। तो ये इसी बताओगे यहाँ से जो कैसे दिखेगी आपको ऐसे, जालीनुमा, कैसे दिखाई देगी आपकी, जालीनुमा। तो इसे क्या बोलते हैं, तो बता दीजिएगा आपकी जो जालीनुमा रहती है, ठीक है ये होगी आपकी सेकेंड। अब इसमें पूछता आपको एग्जामर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, तो पहले नंबर पर बताओगे सोयाबीन, कौन सा बीन बताओगे आपका, सोयाबीन, सोयाबीन। अब मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, सोया प्रदेश, क्लियर होगी बात, उज्जैन में सबसे ज्यादा होते हैं। तो यहां बताओगे आपका कि एग्जांपल उच्च सोयाबीन, और बता दीजिएगा आप कैसे सागौन, ठीक है सागौन को भी देखना, इसकी पत्ती आपको दिखाई देगी आपको इस टाइप से बहुत ज्यादा जालीनुमा, कैसे दिखेगी आपकी, जालीनुमा। सेकंड नंबर इसमें आपका आ जाएगा क्या, आम, आम की पत्ती को भी आप ठीक है पलटा के देखना आपको, या जस्ट सामने बहुत सारे आपको क्या दिखाई देंगे, जालीनुमा। ये होगी हमारी क्या, पत्ती के प्रकार। अब इसके आकार के आधार पर भी कुछ पत्ती को बांटा जाता है, कैसे, जैसे ठीक है किसके आधार में बोला, आपका आकार के आधार पर। और यहां से एग्जांपल ऐसा खगोल खगोल का क्वेश्चन पूछता है आपका, कि क्या बोलते, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछता है, एकदम खतरनाक। मेरे नानू ध्यान से याद रखना है मेरी बात को, ठीक है मेरा राजा, एकदम ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, एकदम ध्यान ध्यान से, ठीक है एकदम काम की बात कर रहे, एकदम काम काम की, नहीं ध्यान उधर उधर भटकाओ, एकदम ध्यान से देखना, क्लियर हो गया। इतना से सेकंड, अब बात करूं मैं यहां से किसकी आपकी, ये पत्ती, तो एक होती है आपकी रैखिक पत्ती। रैखिक पत्ती का मतलब क्या होता है, जो कैसी रहेगी आपकी एकदम ऐसी, ठीक है कैसी रहेगी, रेखा के जैसे, कैसी रहेगी आपकी रेखा, ठीक है पिक्चर वाली रेखा नहीं भैया, ये वाली रेखा की बात है, ठीक है। तो ये क्या बताओगे यहां से आपकी रैखिक। अब रैखिक में बात करूं यहां से, देखो ये जो आपको पत्ती दिखाई दे रही होगी, ये कैसी दिखाई दे रही है आपको यहां से, रैखिक, कैसी दिखाई दे रही है आपके यहाँ से, रैखिक मतलब एकदम सीधी, कैसी दिखाई दे रही है, एकदम सीधी रेखा के जैसे। इसमें पूछताछ से कि गुरु जी की इसका